गुड मॉर्निंग इंडिया। राजस्थान बेरोजगारी भत्ते में लगभग 12 महीने बाद एक रिन्यूअल करवाना पड़ता है, तो जिन स्टूडेंट्स का बेरोजगारी भत्ते के आवेदन को जून या जुलाई में 12 महीने हो गए और वो किसी कारण जैसे कोविड-19 है या किसी अन्य कारण से जून या जुलाई में रिन्यू नहीं करवा पाए, उन्हें अब क्या करना होगा? क्योंकि बिना रिन्यू किए हुए ये बेरोजगारी भत्ता है वो बंद हो जाता है, इसलिए 12 महीने बाद बेरोजगारी भत्ते का जो आवेदन होता है उसे रिन्यू करवाना पड़ता है और उसके लिए आपको 15 दिन का टाइम दिया जाता है। 15 दिन का समय निकलने के बाद आपको क्या करना होगा, तो चलिए जानते हैं। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपने अगर सॉरी आपका जो रिन्यू का डेट था वो जून जुलाई का था और आपने रिन्यू नहीं करवाया किसी कारणवश, तो अब आपका क्या बेरोजगारी भत्ता बंद हो जाएगा या कोई प्रोसेस आगे है? तो मैं हूँ आपका फ्रेंड बीएल बाजिया और स्वागत है आपका वाईफाई स्टूडियो में। चलिए जानते हैं क्या प्रोसेस आगे। अगर आप हमारे चैनल वाईफाई स्टूडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि बेरोजगारी भत्ते को लेकर जो भी अपडेट्स होते हैं वो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जिन विद्यार्थियों ने जून और जुलाई में रिन्यूअल नहीं कराया उन्हें अब क्या करना होगा, क्योंकि बेरोजगारी भत्ते को 12 महीने बाद रिन्यूअल करवाना होता है और वो भी 15 दिन के अंदर अंदर। जैसे ही 12 महीने हो जाते हैं आपकी SSO ID या मोबाइल नंबर या जो भी ईमेल ID आपने दी है उस पर मैसेज आ जाता है रिन्यूअल का और 15 दिन के अंदर अंदर रिन्यूअल करवाना पड़ता है। लेकिन किसी कारणवश अगर आपने जून और जुलाई में रिन्यू नहीं करवाया है तो उसके लिए अब आपको क्या करना होगा? तो उसके लिए कई रास्ते हैं। अभी पहला काम है कि आप जो बेरोजगारी भत्ते के लिए शिकायत नंबर है और 181, वैसे तो ये नंबर है वो सिर्फ बेरोजगारी भत्ते के लिए नहीं बल्कि सरकारी स्कीम्स को लेकर जो भी प्रॉब्लम होती है उन सभी के लिए ये हेल्पलाइन नंबर है और इस पर आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन अब इस पर शिकायत दर्ज करवाने के बाद कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने ये कमेंट किया था कि 181 से कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला है। तो अब आपको क्या करना है, इसके लिए आप जिला रोजगार कार्यालय में जाना होगा और वहाँ पर आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी है, वहाँ से आपका काम हो जाएगा। अगर जिला रोजगार कार्यालय से भी आपका कार्य नहीं हो पा रहा है तो आपको क्या करना है, अगर जिला रोजगार कार्यालय वाले आपको संतुष्ट जवाब नहीं देते हैं तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर जिला रोजगार कार्यालय वाले आपको कोई रास्ता नहीं दिखाते हैं तो फिर आपको क्या करना है कि आपके ज़िले में जो कलेक्टर होता है आपको कलेक्टर ऑफिस में एक एप्लीकेशन देना होगा। उस एप्लीकेशन में आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी है कि आपने किस कारण से वो रिन्यूअल नहीं करवा पाए, तो वहाँ पर आपको जो है उसके बारे में सभी डिटेल्स बताई जाएगी कि अब आपका क्या करवाना है या और कहाँ पर एप्लीकेशन आगे देनी है। तो आपका जो कलेक्टर है जिला कलेक्टर वो है आपकी जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व कर देगा। अगर फिर भी आपका काम नहीं बन पा रहा तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम सॉल्यूशन ज़रूर निकालेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल वाईफाई स्टूडियो को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप कमेंट करके हमें बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।